नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ की हड्डी के समान है। इनके बिना पार्टी का अस्तित्व संभव नहीं है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्ष के कारण ही हमारी पार्टी इस मुकाम तक पहुंच पाई है। एक समय था जब पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की खोज करना पड़ता था, किंतु आज भाजपा में चुनाव लड़ने के इच्छुकों की लंबी कतार है। राजनीति में आना हो तो सामाजिक कार्यों के माध्यम से ही आना चाहिए। यह कहते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व नागपुर में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में 80% समाज सेवा और 20% राजनीति होनी चाहिए। गडकरी ने कहा कि नागपुर शहर में आज 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य जारी है। मेट्रो ब्रिज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही एम्स, IIT, लॉ यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस जैसे संस्थान आज नागपुर में है। इसका श्रेय केवल और केवल कार्यकर्ता एवं जनता को जाता है। यदि वे हमें मौका न देते तो शायद यह विकास संभव न हो पाता। चुनाव में प्रभाग में अनेक कार्यकर्ताओं के बीच किसी एक को चुनकर टिकट देना अब बेहद पेचीदा हो गया है। इस आशय के विचार गडकरी ने व्यक्त किए। विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान में हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। इस संविधान के चारों स्तंभों को नुकसान पहुंचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इस आशय का आरोप राज्य के ऊर्जा मंत्री एवं नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने लगाया है। वे बेजनबाग स्थित मैत्री बुद्ध विहार में निर्मित संविधान उद्देशिका अशोक स्तंभ के लोकार्पण समारोह के अवसर पर भाषण दे रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई ने की। कार्यक्रम में नगर सेवक प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल, नागपुर मनपा के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुल्लटकर, आर की उदय दत्त गजबीए, गोपाल बडोले, डॉक्टर अनमोल टेम्बुर ने, धीरज कड़बे, पमिता कुल्लटकर, संगीता पाटिल, रजनी कड़बे, मिलिंद उंदीरवाड़े, अजय वाघमारे, अनिल पाटिल, राजेंद्र जनबंधु, राकेश मुटगरे, ममता गेडाम, सिद्धार्थ कड़बे, प्रमोद राउत आदि उपस्थित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासन के माध्यम से लोक कल्याणकारी प्रशासन का पाठ हमें पढ़ा दिया है। अब उसी मार्ग पर सबको साथ लेकर चलना अपेक्षित है। इस आशय के विचार ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने सोमवार को व्यक्त किए। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर नागपुर जिला परिषद में पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के हाथों शिवशक्ति राजदंड स्वराज्य गुड़ी का पूजन किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस उपायुक्त रेड्डी, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी कमल किशोर पोटाने, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकर, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमिला जाखलेकर सहित सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। 18 पगड़ जाति के बल पर बना सुराज्य, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, सर्वधर्म समभाव का पुरस्कार और समान न्याय की भूमिका छत्रपति के शासन का वैभव था। आम लोग इसे हिंदवी स्वराज्य कहते थे। यह बताते हुए डॉक्टर राउत ने अपने भाषण में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सुशासन हम सबके सामने एक सबक है और प्रशासन को इसी रास्ते पर चलना चाहिए। छात्रों ने महाराष्ट्र के इतिहास पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी और सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। जून माह के प्रथम सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के छत्रपति शिवाजी सभागृह में लोकशाही दिवस का अनूठा आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं कलेक्टर आर विमला ने लोकशाही दिवस में भाग लेने वाले शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को जाना, उनका समाधान समय पर पूरा कर लिया जाएगा, इस आशय का आश्वासन उन्होंने दिया। इस अवसर पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग संबंधित प्रलंबित मामलों की जांच कर प्रकरण सुलझाए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग 15 दिनों के भीतर मामलों का निपटारा करे और सह जिला रजिस्ट्रार इस संबंध में एक बैठक की व्यवस्था करे। सभी मामलों को समय पर हल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस लोकशाही दिवस का उद्देश्य न्याय प्राप्त करना है। लोकशाही दिवस पर कुल 11 मामले जिला प्रशासन के सामने प्रस्तुत किए गए। माढ़ा के आवेदनों की सबसे अधिक संख्या 6 थी, उसके बाद राजस्व संभाग के अंतर्गत 3, पुलिस विभाग के अंतर्गत 1 और संयुक्त जिला रजिस्ट्रार नागपुर शहर के अंतर्गत 1 मामला सामने आया। इस अवसर पर रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर विजया बांकर, जिला सर्जन डॉक्टर माधुरी थोरात सहित पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को नए उद्योगों की शिक्षा, प्रशिक्षण और विपणन के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की वस्तुओं की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करने वाली और वस्तुओं की बिक्री में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने वाली महिला बचत गटों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी का रविवार देर रात को समापन हो गया। भीषण गर्मी के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों की महिला बचत गटों ने इन 3 दिनों में 67 लाख रुपए का कारोबार किया है। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन जिला परिषद की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कृषि महिला एवं बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मानकापुर विभागीय क्रीड़ा संकुल में किया गया था। यहां नागपुर मंडल के 150 से अधिक
स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। बिक्री प्रदर्शनी आयोजित करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार, उद्यमी और बाजार के साथ प्रतिस्पर्धी होने के लिए सक्षम बनाकर जीविकोपार्जन के लिए प्रोत्साहित करना था। विभागीय स्तर के सरस मेले के पहले दिन शुक्रवार को 17 लाख रुपए जबकि शनिवार को 22 लाख रुपए की बिक्री हुई। रविवार को प्रदर्शनी के अंतिम दिन देर शाम तक नागपुर वासियों की भीड़ लगी रही। तीसरे दिन कुल 28 लाख रुपए का कारोबार हुआ। मध्य रेल के नागपुर एवं भुसावल मंडल के कार्यक्षेत्र से संबंधित संसद सदस्यों के साथ मध्य रेल महाप्रबंधक की परामर्श बैठक का आयोजन सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के समाधान सभागृह में किया गया। रेल उपयोगकर्ता, रेल यात्री, यात्री सुविधाओं एवं मंडल पर प्रस्तावित कार्यों के संबंध में चर्चा करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। महाप्रबंधक मध्य रेल मुंबई अनिल कुमार लाउटी ने उपस्थित सभी सांसद सदस्यों के स्वागत के पश्चात उन्होंने मध्य रेल द्वारा पिछले कुछ महीनों में नागपुर एवं भुसावल मंडल में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सांसद सदस्यों के मार्गदर्शन का रेल विकास की रूपरेखा तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनके बहुमूल्य सुझाव से उनके संसदीय क्षेत्र के नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप रेल सेवाओं का विकास हो पाता है और विभिन्न समस्याओं का हल निकालने में यह पहल मददगार साबित होती है। महाप्रबंधक लाउटी ने मध्य रेल की प्रमुख उपलब्धियां बताई। कोविड-19 महामारी का प्रभाव कम होने के बाद 458 मेल एक्सप्रेस तथा 131 पैसेंजर एवं अन्य प्रकार के ट्रेनों की सेवाओं को रेल प्रशासन द्वारा दोबारा बहाल किया गया है। जल्द ही मानसून का आगाज होने वाला है, इसलिए नागरिकों को बरसाती बीमारियों से सुरक्षा के लिहाज से सावधानी बरतने की जरूरत है। नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बरसात के मौसम में पीने का पानी दूषित न हो, बाहर के खाने से बचे और कोई भी लक्षण पाए जाने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। सभी महानगर पालिका एवं सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है और नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाए। यह अपील नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। मानसून के दौरान पीने के पानी के दूषित होने पर टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती है। यदि मक्खियों के सामने एक्सपोज हुआ संक्रमित खाना कोई खाता है तो उसे उल्टी, दस्त और पीलिया हो जाता है। ऐसी बीमारियों के मामले आमतौर पर मानसून के दौरान बढ़ जाते हैं, इसलिए नागरिकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। नागरिकों को पीने के लिए मनपा द्वारा आपूर्ति किए गए नल के पानी का उपयोग करना चाहिए। पीने के लिए अनुपचारित बोरवेल या कुएं के पानी का उपयोग न करें। बासी या खुले में रखा खाना न खाए और भोजन को अच्छी तरह ढककर रखे। इस आशय के दिशा निर्देश मनपा के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार ने दिए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने सोमवार को 7 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 45,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी के मार्गदर्शन में धंतोली, गांधीबाग, सतरंजीपुरा और मंगलवारी जोन के उपद्रव खोजी दल ने प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की। धंतोली जोन के अंतर्गत महात्मा फुले नगर मानेवाड़ा रोड स्थित साहू चाट सेंटर दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। गांधीबाग जोन के अंतर्गत बजेरिया, गांधीबाग में राज प्लास्टिक दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। सतरंजीपुरा जोन के अंतर्गत किरानौली, मस्का साथ इतवारी में गुरुकृपा प्लास्टिक दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह मंगलवारी जोन के अंतर्गत मंगलवारी बाजार सदर स्थित अरेबियन टिक्का दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह लक्ष्मीनगर जोन के अंतर्गत स्वावलंबी नगर में मेड प्लस दुकान के खिलाफ दुकान का कचरा सड़क के किनारे डालने पर कार्रवाई की गई और 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,403 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 1,48,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 15 मामलों में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 31,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उससे 2,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है।
साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता धनंजय मुंडे द्वारा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से होने का सुझाव दिए जाने के कुछ दिनों बाद राकापा सांसद सुप्रिया सुले ने सोमवार को कहा कि हर नेता चाहता है कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से हो और इसमें कुछ भी नया नहीं है। शरद पवार के नेतृत्व में राकापा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में सत्तारूढ़ गठबंधन का एक घटक दल है। गठबंधन में शिवसेना और कांग्रेस भी शामिल है। नागपुर में कुछ संवाददाताओं ने जब मुंडे की टिप्पणी के बारे में पूछा तब सुले ने कहा कि किसी पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता और समर्थक चाहता है कि मुख्यमंत्री उनके पार्टी से हो और समान विचारधारा वाला हो। उन्होंने कहा ये एक सामान्य सोच है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों पर 10 जून को होने जा रहे चुनाव में मतों की खरीद फरोख्त होने की आशंका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसी तरह की चीज दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य से 6 सीटों के लिए उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होने चाहिए थे। इस चुनाव में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के घटक दलों ने 4 उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के गांव साकोली में जाकर शुभचिंतकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विदर्भ प्रदेश कामगार सेल के अध्यक्ष लाल सिंह ठाकुर, विजय कुर्यवंशी, ताराचंद गौड़, बंटू गौड़, संत लाल गुप्ता आदि उपस्थित थे। स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल हेती सुरला सावनेर में विश्व पर्यावरण दिवस ऑनलाइन मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करना था। देश दुनिया के विभिन्न संस्थान, कॉलेज, स्कूल व अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूली विद्यार्थियों एवं पालकों ने भाषण, स्पीच, निबंध, स्लोगन्स एवं चित्रकला स्कूल के साथ साझा किए। विद्यार्थियों ने अपने अपने घरों में रहकर पेड़ पौधों को पानी दिया, नए नए पौधे लगाए और सदैव पेड़ पौधों की देखभाल करने की शपथ ली। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित विद्यार्थियों व पालकों के साथ अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2022 ओनली वन अर्थ थीम के आधार पर मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य हमारे वातावरण को स्वच्छ व शुद्ध रखना है। अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. आशीष देशमुख ने स्कूल के उपक्रम की सराहना की एवं सहभागी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। जून माह के प्रथम रविवार को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्वाइवर्स डे मनाया जाता है। कैंसर के क्षेत्र में निरंतर सेवारत देवता सेवा संघ के प्रथम देवदूत आचार्य नरेंद्र सतीजा ने बताया कि इस दिन पर विविध कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य कैंसर से लड़कर सफल हुए कैंसर योद्धाओं का अभिवादन करना है, साथ ही कैंसर से संघर्ष कर रहे कैंसर पीड़ितों का हौसला बढ़ाना है। ब्लड कैंसर से ठीक हुई 13 वर्षीय बहादुर बच्ची भूमि सतीजा का अभिवादन किया गया। जाहिर है कैंसर किसी को भी कभी भी हो सकता है। कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। जरूरी है कि अपनी जीवन शैली व खानपान की आदतों में यथोचित बदलाव लाएं। समय समय पर जांच करवाना भी जरूरी है। कैंसर के 7 लक्षणों को समझना जरूरी है। इनमें न भरने वाले घाव, लगातार खांसी या रूखापन, अपचन या निगलने में परेशानी, तिल या मस्से में स्पष्ट परिवर्तन, स्तन या कहीं कोई लोथड़ा ब्लैडर की बदलती आदतें, असामान्य रक्त बहना आदि लक्षणों का समावेश है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी संस्थान ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सराहनीय पहल की है। वॉइस चेयरपर्सन डॉक्टर विद्या नायर के मार्गदर्शन में टीम आत्मस्पर्श की मदद से संयुक्त रूप से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता मान ग्रुप के चेयरमैन जीतू बेलानी ने की। रवि नायर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष उदय भास्कर नायर और प्रबंध निदेशक डॉक्टर उषा नायर मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में मान्यवरों का आभार माना गया और सभी ने प्रण लिया कि वे सब मिलकर एक बेहतर और मजबूत स्वास्थ्य समाज का निर्माण करने में योगदान देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों सेंट्रल एवेन्यू रोड स्थित हज हाउस के सामने जैन शर्मा केयर प्रतिष्ठान का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, उद्योगपति व समाज सेवी पारसमल पगारिया, विधायक गण कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, मोहन मते, प्रवीण दट्ट के पूर्व विधायक गिरीश व्यास, वर्धमान बैंक के अध्यक्ष सीए अनिल पारख, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया, एनडीसीडीए उपाध्यक्ष विरभान केवल रामानी, समाज रत्न इंदर चंद जैन
वर्धमान बैंक के डायरेक्टर अतुल कोटेचा, अनिल जैन, अशोक जैन, महावीर जैन, राज जैन, दर्पण जैन, दक्ष जैन, देवेंद्र चौरडिया, कांतिलाल जैन, दिलीप रांका, विपिन वखारिया, दिनेश बेताला, जितेंद्र भुगांवकर, दिलीप गांधी, मनोज बोरा, राजू डांगरा, खूबचंद आहुजा, अशोक बम, श्याम कड़ू, महावीर कोटेचा, नागेश आसानी व पप्पू ठाकुर उपस्थित थे। मंच संचालन डॉक्टर गौतम सिंघी ने किया तथा मान्यवरों का आभार इंदरचंद जैन ने माना। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन मौदा में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पर्यावरण प्रबंधन समूह द्वारा एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व परियोजना प्रमुख एके मनोहर द्वारा किया गया। मनोहर ने सभी उपस्थित कर्मचारियों को शपथ दिलवाई, जिसमें सबने प्रतिज्ञा ली कि वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहेंगे और धरती माता को बचाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। मनोहर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि NTPC मौदा पर्यावरण की बेहतरी और बचाव की ओर कदम बढ़ाता रहेगा और इसी तरह आगे भी अपने आसपास के गांवों के हित में कार्य करते रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम ओनली वन अर्थ पर आधारित कर्मचारियों, उनके परिवारों के सदस्यों, छात्रों के लिए नए प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसके माध्यम से सभी में पर्यावरण को सुरक्षित रखने की भावना उत्पन्न हो और उनमें जागरूकता बढ़े। इस अवसर पर सभी उपस्थित उत्कर्ष नगर रहवासियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया और कर्मचारियों को पौधे वितरित भी किए गए। इस अवसर पर NTPC के उच्च अधिकारीगण, महिलाएं, बच्चे और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान भी उपस्थित थे, जिन्होंने प्रभात फेरी में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार के 8 साल पूरे होने को बड़ी उपलब्धि मानते हुए शहर भाजपा सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करेगी, विविध माध्यमों से नागरिकों से संवाद साधेगी। इसी सिलसिले में हाल ही में भाजपा SC मोर्चा की ओर से गणेशपेट स्थित पार्टी कार्यालय में चौपाल बैठक हुई। SC मोर्चा के अध्यक्ष राजेश हाथीभेड़ के नेतृत्व में चर्चा सत्र की शुरुआत की गई। मनपा में स्थायी समिति के पूर्व सभापति विजय पिंटू झलके, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन गोस्वामी चर्चा सत्र में शामिल थे। अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक ध्यान दे रही है। किसानों व गरीबों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जा रहा है। नागेश सहारे, बंडू सिरसाठ, सतीश डागरे आदि पदाधिकारी मंच पर विराजमान थे। अमिताभ मेश्राम, सुधीर घोड़ेस्वार, अजय करोसिया, संदीप बेले, राजेश अदुलवार, मुन्ना मेश्राम, बाला वानखेड़े, लक्कन एरावर, बबलू बक्ससरिया, श्रीकांत माटे आदि पदाधिकारियों ने चर्चा सत्र में शामिल होकर योगदान दिया। शहर में मोबाइल नेटवर्क का जाल बढ़ रहा है, लेकिन टॉवर शुल्क घटाने से मनपा को करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। पहले साल भर के लिए 30,000 रूपए शुल्क लिया जाता था। केंद्र सरकार की नई नीति में 5 साल के लिए 10,000 रूपए शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया है। टैक्स विभाग के सर्वे के अनुसार शहर में 773 मोबाइल टॉवर है। मनपा की अनुमति के लिए 270 प्रस्ताव नगर रचना विभाग के पास पहुंचे थे, उनमें से 65 प्रस्ताव मंजूर किए गए। दस्तावेजों की पूर्तता न करने से 205 प्रस्ताव लंबित है। इसी बीच केंद्र सरकार ने प्रस्ताव मिलने पर 30 दिन में मंजूरी देने अथवा अस्वीकृत करने का नियम लागू किया है। इस अवधि में प्रस्ताव पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने पर उसे मंजूरी प्रदान मानने का नियम में प्रावधान किया गया है। नई नीति लागू हो जाने से अब कोई भी मोबाइल टॉवर अनधिकृत नहीं रहा। केंद्र सरकार की साल 2013 में नई नीति बनाने के बाद राज्य सरकार ने साल 2014 और 2017 में अलग से नियम बनाए। प्रतिवर्ष 30,000 रूपए शुल्क निर्धारित किया। जिस टॉवर का शुल्क भुगतान नहीं किया गया है, उनके खिलाफ मनपा ने मोर्चा खोल दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के सहयोग से शनिवार को राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के रामानुजन सभागार में विश्वविद्यालय प्रशासन के सक्रिय समन्वय के साथ एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमित प्रधान, कार्यकारी निदेशक IBBI, सुभाष चौधरी कुलपति नागपुर विश्वविद्यालय, AVM राकेश खत्री सेवानिवृत्त प्रबंध निदेशक IPA ICAI ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की शुरुआत में विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की विभाग अध्यक्ष डॉ. पायल ठवरे ने अतिथियों और प्रभागियों का स्वागत किया। अपने उद्घाटन भाषण में डॉ. चौधरी ने कहा कि ये कार्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए बेहद मददगार साबित होगा जो करियर विकल्प के रूप में इंसॉल्वेंसी के पेशे के जरिए आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। राकेश खत्री ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया में IPA की भूमिका के बारे में उपस्थित मान्यवरों एवं छात्रों को विस्तार से समझाया और IBC 2016 के संदर्भ में विविध अनजान पहलू साझा किए। अमित प्रधान ने अपने उद्बोधन भाषण में IBC 2016 की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए बताया कि पिछले 5 वर्षों में ये काफी विकसित हुआ है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।